अभिनय शुक्ला हिंदी टीवी सीरियल और फिल्मों के जाने माने अभिनेता हैं। अभिनव ना ही केवल अभिनेता हैं बल्कि एक मॉडल एंड निर्देशक भी हैं। अभिनव कलर्स टीवी के पॉपुलर शो बिग बॉस सीजन 14 में एक दर्शक के रूप में आ रहे हैं। अभिनव ने अपने लुक्स की वजह से बहुत नाम कमाया है। उन्हें टीवी सीरियल में सबसे हैंडसम अभिनेता की लिस्ट में काफ़ी पहले ही शामिल कर लिया गया है। अभिनव ने टीवी सीरियल में पॉजिटिव और निगेटिव रोल दोनों तरह के किरदारों को दर्शाया है। जनता ने इनके दोनों रूपों को बहुत पसंद किया है। इन्होंने हिंदी फिल्म जय हो से अपने फिल्मों की दुनिया में डेब्यू किया था। अब बात करते हैं इनके डेट ऑफ बर्थ की। अभिनव शुक्ला का जन्म 27 सितंबर 1982 को लुधियाना पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम डॉक्टर के शुक्ला है और माता का नाम श्रीमती राधा शुक्ला है। अभिनव का एक बड़ा भाई है जो नॉवल ऑफिसर है। अभिनव शुक्ला ने साल 2000 में गुरु नानक पब्लिक स्कूल से अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद इन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग करियर की शुरुआत करने के लिए मुंबई आ गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में आयोजित टेक्निकल फेस्टिवल में अभिनव ने बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड भी जीता है। अभिनव शुक्ला ने अपने अभिनय की शुरुआत 2007 से की थी। उससे पहले अभिनव ने मॉडलिंग में काम किया है। 2004 में अभिनव ने मिस्टर इंडिया की प्रतियोगिता में मिस्टर बेस्ट पोटेंशियल चुना गया था। अभिनव जनवरी 2004 को आयोजित ग्रेसिम मिस्टर इंडिया में 6 रैंक पर आए हैं। अभिनव शुक्ला ने पहली बार अभिनय सीरियल जाने क्या बात हुई में किया था। यह सीरियल कलर्स टीवी पर दर्शाया गया था और इसके बाद अभिनव को जी टीवी के सबसे पॉपुलर शो छोटी बहू सिंदूर बिन सुहागन में देखा गया था। अभिनव शुक्ला द्वारा अभिनाए गए किरदार कौन कौन से हैं और उन्होंने किस किस साल में कौन कौन से टीवी सीरियल में काम किया है। 2008 और 2009 में टीवी सीरियल कलर्स के सीरियल में जाने क्या बात हुई में दर्शाया गया था इनका रोल, जिसमें इन्होंने शांतनुज का रोल प्ले किया है। फिर 2008 और 2009 में जी टीवी के सीरियल छोटी बहू सिंदूर बिन सुहागन में विक्रम का किरदार निभाया। फिर 2010 में सब टीवी के सीरियल जर्सी नंबर 10 में अर्जुन राय का किरदार निभाया। 2010 और 2011 में स्टार वन के सीरियल गीत हुई सबसे पराई में देव सिंह खुराना का रोल निभाया। फिर 2010-11 से 12 में स्टार प्लस के सीरियल एक हजारों में मेरी बहना है डॉक्टर मनन का किरदार निभाया। फिर 2012 में इन्होंने हिटलर दीदी, 2012 में सर्वाइवर इंडिया सीजन 1, फिर 2013 में बदलते रिश्तों की दास्तान, फिर 2016 में स्टार प्लस के सीरियल दिया बाती में ओम राठी का किरदार निभाया। फिर इनको कलर्स पे 2018 में सिलसिला बदलते रिश्तों में राजदीप ठाकुर का किरदार निभाते हुए देखा गया। फिर 2019 में कलर्स टीवी की कॉमेडी शो खतरा 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 में भाग लिया। अभिनव शुक्ला ने टीवी सीरियल में नहीं बल्कि फिल्मों में भी काम किया है। 2004 में इन्होंने करना स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने इनको 2014 में हिंदी फिल्म जय हो में अभिनय किया था। फिर 2014 में हिंदी फिल्म रोर में पंडित का किरदार निभाया। 2017 में हिंदी फिल्म अक्सर 2 में रिस्की का किरदार निभाया। फिर 2019 में हिंदी फिल्म लुका छिपी में नजीम खान का किरदार निभाया था। अभिनव शुक्ला के लव लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने टीवी एक्ट्रेस रूबीना दिले को कुछ समय पहले डेट किया है और इन दोनों ने जून 2018 में शिमला में एक दूसरे के साथ शादी कर ली थी। इन्होंने जी टीवी के सीरियल छोटी बहू सिंदूर बिन सुहागन में एक साथ अभिनय किया था। अभिनव के पसंदीदा चीज़ों के बारे में बात करें तो अभिनय को सबसे ज़्यादा एक्टर्स में सलमान खान और गौतम रोडे पसंद है और फेमस इनकी एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस हैं। अभिनव को घूमने का बहुत शौक है। उनकी पसंदीदा जगह लेख एंड लद्दाख है। अभिनव को लोगों का भरपूर प्यार मिलता रहा और भले ही कुछ समय तक इनका सीरियल नहीं चला या बहुत सीरियल में कम नजर आए, लेकिन इनको पॉजिटिव और निगेटिव रोल दोनों के लिए बहुत पहचान मिली और कलर्स टीवी में ये अपनी वाइफ रूबीना दिलैक के साथ आए हैं और बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो देखते हैं ये घर में अपने हस्बैंड वाइफ कब तक टिक पाते हैं, कब तक इनका ये सफ़र चल पाता है। सो गाइस, वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके